छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले के तरपुंगी नामक ग्राम के मोहदा गांव में मैं आ चुका हूँ। दोस्तों, मोहदा गांव लगभग रायपुर से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, मोहदा गांव में शिव जी का प्राचीन मंदिर है जो कि मोहदेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। वहाँ जो शिव जी की मूर्ति है, जो कि शिवलिंग है, वो समय समय पे कलर बदलते रहता है। और दोस्तों, कौन कौन मुदेश्वर धाम आ चुका है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूँ मुदेश्वर धाम, और आप सभी को मैं मुदेश्वर धाम का पूरा फुल वीडियो दिखाने वाला हूँ। यहाँ शिव जी का प्राचीन मूर्ति है जो कि समय पे कलर जो बदलते रहता है, जैसे कि भूरा कलर होता है और कुछ कुछ कलर बदलते रहते हैं। चलते हैं, आपको दिखाते हैं मंदिर में। तो यह है दोस्तों मंदिर, जो कि काफ़ी पुराना है और प्राचीन है, जो कि मुदेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। और लोग यहाँ आते हैं महाशिवरात्रि में, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। लोग कहते हैं, अभी यहाँ चप्पल उतार देते हैं और चलते हैं मंदिर के अंदर। ये देखो दोस्तों, ये सामने पूरा मूर्ति उर्ति बना हुआ है, और ये सामने बड़ा सा त्रिशूल है, अरे अपने नंदी महाराज, ये सब है भगवान की प्रतिमाएं। और ये सामने हमारे मोदेश्वर धाम जी, शंकर भगवान जी, काफी अच्छा बनाया गया है मंदिर को, देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पूरा मूर्ति बनाया गया है दीवालों पे, ये गणेश जी की मूर्ति है, और ये सामने पे घर देवता जो भी है भगवान जी। बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है ये यहाँ का मुदेश्वर धाम का, काफी सुंदर है जो मंदिर है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के समय काफ़ी भीड़ रहता है, और यहाँ ये सब जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, क्योंकि धक्का मुक्की जो होता है उससे बचने के लिए। देख सकते हो दोस्तों, नाग देवता हैं इधर, और पूरा मंदिर आप लोग कवर करके दिखाऊंगा। जो बाजू में जो तालाब देख रहे हो गाइस, ये जो है ना तालाब, इसके बीच में एक कुआं है। लोग यहाँ के बोलते हैं कि इसके बीच एक कुआं है, उसी से ये तालाब भरा हुआ है। और जो ये पानी दिख रहा है ना, ये 24 घंटा चलते रहता है, लोग यहाँ कहते हैं। और सामने एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ का भी आपको दर्शन करा देता हूँ। चलते हैं दर्शन करने। इधर भी बाजू में हरा भरा खेत है, अभी तो धान धान लगा हुआ है खेत पे, उतना मुझे नहीं पता कौन सा है। और ये बजरंगबली जी का मंदिर है। यहाँ से जो ये है, ये पुरुष का जाने का है, और ये महिला का प्रवेश द्वार है, और महिलाओं का प्रवेश द्वार। और ये समुद्र मंथन वाली मूर्ति है, जो कि आप सभी महाभारत में देखे होंगे। दोस्तों, काफ़ी अच्छा चित्रण किया गया है मुदेश्वर धाम के इस प्रसिद्ध मंदिर में। और ये सामने बजरंगबली जी की मूर्ति छोटी सी, और कुछ देवताओं की, और पार्वती माता और गणेश जी और शंकर भगवान की मूर्ति। ये सामने हवन कुंड भी है, यहाँ कुछ कुछ यज्ञ होते होंगे समय पर। और पीछे भी एक छोटा सा गेट है, जो यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं शिव जी का, जो कि शिवलिंग है। इधर भी एक छोटा सा गेट है। और दोस्तों, ये हमारा आखिरी दर्शन होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।